अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना खिचड़ी मेरे स्टाइल में। आइए देखते हैं ये किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, मैंने पाव किलो साबूदाना ली हूँ। इसको मैंने पानी में एक घंटा भिगा कर फिर उसको मैंने छन्नी में आधा घंटे के लिए रख दी थी। ये हमारे साबूदाना अच्छे से भीग चुके हैं, अभी हम इसको पकाएंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में सेंग डालेंगे। ये मैंने 100 ग्राम सेंग ली है। सेंग को हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए, सेंग अच्छे से भूनकर हो चुके हैं। अभी हम गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। देखिए, सेंग ठंडा होने के बाद उसका मैंने छिलका निकाल कर ले ली हूँ। सेंग को अभी हम जाड़ा जाड़ा कूट लेंगे। आप चाहे तो मिक्सर में भी इसको पीस सकते हैं। देखिए, सेंग कूट कर हो चुका है। हमें इस तरीके से सेंग गना चाहिए था। देखिए, गैस में मैंने कढ़ाई रख दी हूँ। अभी इसमें डालूंगी तेल। तेल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए आलू। ये एक आलू ली हूँ मैंने। आलू को हमें अभी धीमी आंच पे पकाना है। आलू को हमें इसके लिए धीमी आंच पे पकाना है ताकि आलू हमारा अच्छे से पक जाए। तेल में हमें इसे गलाना है और आलू डालने से साबूदाने की खिचड़ी में और टेस्ट बढ़ जाता है। देखिए, आलू का रंग चेंज हो चुका है। आलू भी अच्छे से पक गए हैं। आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, आलू हमारे अच्छे से अंदर तक के गल चुके हैं। अभी हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। आलू कढ़ाई में इसे निकालने के बाद मैंने थोड़ा सा तेल कम कर दी थी क्योंकि तेल ज़्यादा था। अभी हम इसमें डालेंगे एक चम्मच राई, दो चम्मच जीरा डालेंगे। राई को हम थोड़ा सा फूटने देंगे। राई फूटने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे दो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और इसको एक मिनट हम भूनेंगे। एक मिनट भूनने के बाद अभी हम इसमें साबूदाना डाल देंगे। उसी के साथ अभी हम डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक और ऊपर से हम डालेंगे कड़ी पत्ता। ऊपर से डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है कड़ी पत्ते का। और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे कूटा हुआ सेंग और हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको 5 मिनट तक के पकाएंगे और चम्मच से हिलाते ही रहेंगे। पाँच मिनट अच्छे से पकने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर और फ्राई किए हुए आलू को भी हम डाल देंगे और इन सारी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साबूदाना देखिए हमारे अच्छे से पक भी चुके हैं। सिर्फ हमें अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, ये सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। माशाल्लाह, देखिए हमारी खिले खिले साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना साबूदाना खिचड़ी कैसे बनी। अल्लाह हाफिज़।